आज आपको एक ऐसे दुकान के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ का नाश्ता बहुत ही सस्ता, परफेक्ट और टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार होता है। सफ़र हो या अपने दिन की शुरुआत, यहाँ का नाश्ता आपको एक अलग ही एहसास दिलाएगा। गर्मा गर्म पूरियाँ, मसालेदार सब्जी और गर्मा गर्म जलेबी के साथ तो मज़ा ही आ जाएगा नाश्ता करने का। ये वो जगह है जहाँ पर आपको पटना का असली स्वाद मिलेगा और यहाँ के नाश्ते की बात ही कुछ और होगी। कहते हैं कि इनके पिताजी ने 25 साल पहले दुकान की शुरुआत की थी और ये आज भी टेस्ट को बरकरार रख रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनके टेस्ट का राज क्या है। 25 साल पुराना दुकान है, नाश्ता मेरा बहुत पुराना बिक रहा है और सुबह 6 बजे से स्टार्ट करते हैं, 11 बजे तक बढ़ा लेते हैं नाश्ता। नाश्ता में 7 पूरी, 1 जलेबी है, सब्जी रायता के साथ है। 40 रुपये का प्लेट है, 40 का प्लेट है और बहुत पुराना दुकान है, बहुत भीड़ लगता है, बहुत व्यस्त रहते हैं हम लोग। आदमी को थोड़ा समय देना पड़ता है नाश्ता के लिए, 5-10 मिनट समय देता है तभी नाश्ता मिलता है। अगर किसी को जलेबी नहीं लेना है तो उसके बदला एक पूरी बढ़ा के देते हैं। एक प्लेट में 8 पीस आता है पूरी जलेबी मिलाकर, या पूरी खाइए या जलेबी खाइए, जो खाना है खाइए। एक दुकान मेरे पापा स्टार्ट किए, हाँ हम लोग आते थे घूमने फिरने के लिए आते थे, हम लोग गाँव में रहते थे उस समय, मम्मी उम्मी के साथ आते थे मेडिकल उटकल के वगैरह या कोई ट्रीटमेंट के लिए, या मम्मी के तबीयत वगैरह खराब हुई तो उस समय आते थे हम लोग, तो घूमते फिरते थे, रहते थे, एक आध घंटा समय भी देते थे। अपना बच्चा था उस समय, हम लोग को अपना थोड़ी ध्यान था। जब होश हुआ तो फिर आस्ते आस्ते दुकान में बैठने लगे और उसी समय से दुकान चल रही है। करीब 95 में स्टार्ट हुआ था, पापा स्टार्ट किए थे और उसके बाद फिर हम लोग सब परिवार मिल के चलाते हैं। बस दुकान पर बैठते बैठते सीख गए, और क्या, कोई थोड़ी सीख के आता है। दुकान पर काम धाम करते करते अपना सीख गए, संभाल रहे हैं। दुकान पे सब्जी का तैयार करना, सामान मसाला वगैरह, उसके बाद आटा वगैरह हो गया, फिर जलेबी उलेबी बनाना, पूरी बनाना, पूरी बेलना, यही सब काम है हम लोग का। नाश्ता चलाना है, स्टाफ नहीं है तो नाश्ता भी चलाना है, बहुत सा काम है। हम लोग पूरी जलेबी सब्जी और खाना के आइटम में सब कुछ बनता है, नाश्ता के आइटम में। ऐसे हम लोग का तो नाश्ता के ही आइटम है, लेकिन इसमें जो भी आइटम है सब बनता है, पूरी है, जलेबी है, सब्जी है। सब्जी हम लोग का बहुत पुराना है, आलू चना पालक का बनता है सब्जी, यही फेवरेट सब्जी है, चेंज नहीं होता है, एक ही सब्जी है, कभी चेंज नहीं होता। जैसे बनता है आलू बनना, मसाला बनाना, उसके बाद इसको फिर खोलाना, यही सब तरीका है। सुबह 3 बजे भोर से उठते हैं हम लोग, उसी समय से तैयार। हाँ मेहनत तो है भैया, होटल लाइन में मेहनत है, ये है, बहुत पुराना दुकान है ना, अच्छा से नहीं बना के देते तो कस्टमर आता कैसे। बहुत दूर दूर का पुराना पुराना कस्टमर, 20 साल का कस्टमर आता है, खोजते हुए आता है भाई कि हम दुकान खोज रहे हैं, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एक सप्ताह पहले ही कस्टमर आया था, पूछ रहा था कि हम खोज रहे थे कि मिला कि नहीं मिला, फूल उल बन गया, थोड़ा डिस्टर्ब होता है उन लोग को। 6 बजे नाश्ता निकल जाता है, हम लोग 3 बजे भोर में डेरा पे बनाते हैं सब सब्जी वगैरह, वहाँ से सब्जी वगैरह बना के आते हैं, तो यहाँ अपना आटा उटा सब छान के वहीं से आते हैं हम लोग, उसके बाद यहाँ का जो काम है वही करते हैं। यहाँ अपना पूरी छानना, जलेबी छानना। एड्रेस है बीना सिनेमा स्टेशन रोड, स्टेशन के बगल में, बीना सिनेमा गेट के बगल में। टेस्ट तो बहुत बढ़िया है, बराबर हम लोग खाते हैं और जक्शन के नज़दीक है, क्वालिटी बढ़िया देते हैं, खाने में भी अच्छा टेस्ट है और बराबर इनके पास लाइन लगा के खाना पड़ता है। हम तो जम्मू जिला से आए हैं, बहुत 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 टेस्टी भी लगता है और रेट भी कम है और क्वांटिटी भी बढ़िया देते हैं, मतलब सुबह का नाश्ता बहुत बढ़िया हो जाता है भैया। बहुत अच्छा टेस्ट है, आप यहाँ का बहुत अच्छा लग रहा है आके। हमें यूपी से आए हैं भैया, हाँ गोरखपुर से। इनका मैंने देखा था, आपने डाला था वीडियो तो मैंने देखा था, बहुत फेमस है यहाँ का, इसलिए मैं आया था घूमने के लिए। फिर देखा मैंने भैया ने रेडी लगा रखा है तो मैंने सोचा खा लूँ, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा लगता है भैया का खाते खाना है, सबसे टेस्टी, सब चीज़ टेस्टी है इनके यहाँ का, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा टेस्ट है उसमें। इसका जलेबी, जलेबी बहुत अच्छा टेस्ट है ना। मैं यहाँ ये जो नाश्ता कराते हैं ना, इन्हें इनके ये दुकान पे लगभग हम 3 साल से आ रहे हैं, बहुत अच्छा नाश्ता कराते हैं और इसमें इनका जलेबी जो है ना बहुत टेस्टी है।